हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ किचन में आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी सा बनने वाला बेसन का हलवा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कटोरी बेसन लिया है, आधा कटोरी चीनी ली है, एक कटोरी पानी लिया है, एक कटोरी देसी घी, 2 टेबलस्पून सूजी, मिक्स ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा केसर और आधा चम्मच इलायची का पाउडर। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रख देंगे और हम एक कटोरी पानी उसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम डाल देंगे आधा कटोरी चीनी। यहाँ पर हमें शुगर सिरप बनाना है, तो अब हम इसके अंदर दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कलर और फ्लेवर के लिए केसर, साथ में इलायची का पाउडर। तो यहाँ मैं पिसी हुई इलायची का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब हम लगा लेंगे एक उबाल इसमें। यहाँ हमें चाशनी नहीं बनानी है एक तार की, सिंपल शुगर सिरप ही हमें यहाँ पर चाहिए। तो आप देख सकते हैं उबाल आ गया है। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम रख देंगे एक पैन और उसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी। टोटल यहाँ पर हम 1 कटोरी देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस देसी घी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के उन्हें रोस्ट कर लूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखनी है और आप देख सकते हैं अब ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं 2 से 3 मिनट में। तो इन्हें हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं हमारे। अब हम एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी बेसन, साथ में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सूजी। यहाँ पर सूजी मैंने थोड़ी मोटी वाली ली है। दोनों चीजों को आपस में हम भूनना स्टार्ट करेंगे तब तक जब तक इसका बेसन का कलर हल्का हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है और एक खुशबू आने लगती है। तो देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो गया और एक खुशबू सी आने लग जाती है 5 से 7 मिनट में। अब हम इस टाइम पे ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी, बाकी घी हम बाद में यूज करेंगे। मंदी आंच पे हम इसको भूनेंगे, तेज आंच नहीं रखनी है नहीं तो बेसन तली में लगना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे जैसे बेसन भुनेगा ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज होने लग गया है, लेकिन अभी हमें इसे और भूनना है। बेसन को लगातार चलाते रहना है बेसन को। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बेसन में से जैसे जैसे बेसन भुन रहा है। अब ये बेसन भुन गया है, अब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे जो हमने शुगर सिरप बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे क्योंकि बेसन बहुत गर्म है, तो आप फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। सारा शुगर सिरप हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस टाइम पे हमें इसे लगातार चलाना है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे हलवा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो 1/2 कप इसमें जाएगा दूध। आप चाहो तो दूध की जगह यहाँ पर खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर दूध से ही बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। लगातार चलाते रहेंगे। हमारा हलवा बिल्कुल बनके तैयार है। इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करे थे। तो यहाँ पर मैं आधे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, बाकी गार्निशिंग के लिए अलग रख रही हूँ। मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट को भी हलवे में। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारा घी बाकी बचा हुआ है, वो घी भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। इससे हमारे हलवे में बहुत अच्छा ग्लेज आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है हलवे में। 2 से 3 मिनट के लिए और हम इसको बस चलाएंगे और हमारा हलवा बिल्कुल बनके बेसन का तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है हलवे में। आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अब हलवे को हम एक बर्तन में खाली कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको सर्दियों में ज़रूर बनाएं। या आपका कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप इस हलवे को ज़रूर बनाएं। ये बहुत जल्दी से बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचाए थे उससे हम हलवे को गार्निश करेंगे। तो हम यहाँ पर ऊपर से ड्राई फ्रूट सजा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर।